हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ में आए हैं जिसका नाम है एंटीफंगल एजेंट्स। एंटीफंगल एजेंट्स कौन से हैं, कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स का एक्शन होता है, क्या इसमें डिजीज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि एंटीफंगल एजेंट्स हैं। प्लीज़, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का फ़ायदा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटीफंगल एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दीज आर ड्रग्स यूज फॉर द सुपरफिशियल एंड डीप। ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी पे सुपरफिशियली फंक्शन करे और डीप अंदर, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक फंक्शन, और एक है सुपरफिशियल फंक्शन, दोनों तरीके से वो फंक्शन करे, उसे बोलते हैं एंटीफंगल एजेंट्स। और ये एक प्रकार का एंटीफंगल एजेंट्स है जिसे हम लोग इन्फेक्शन भी बोलते हैं आजकल, तो इसको ट्रीट करे। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी होंगी, कौन सी ड्रग्स होंगी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ड्रग्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो आप लोग सब ने खाया होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लोग हर एक डिसीज़ के साथ में खाते हैं, चाहे वो एंटीफंगल हो, एंटीवायरल हो, चाहे वो कार्डिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो यूरिनरी प्रॉब्लम हो, चाहे वो अदर एक्सेट्रा कोई सी भी प्रॉब्लम हो, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ ज़रूर करते हैं। और हर एक एंटीबायोटिक का रोल अलग होता है। तो पहली इसमें जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो पोलिन्स है। अब इसमें अलग ड्रग्स हैं, ऐसे हैं इको चैनडीन्स, ऐसे है हेट्रोसाइक्लिक्स वेंजोफेरॉन्स। तो इनमें जो हमारे ड्रग्स हैं कैटेगराइज वाइज कर दिया गया है कि कौन सी ड्रग्स हम लोग लेते हैं। एम्फोटेरेसिन वी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AMB भी बोलते हैं, नेस्टिन्स भी है, और हमारी हेमलेसिन्स भी हैं। ऐसे है जो सेकंड कैटेगरी की हमारी ड्रग्स है एंटी मेटाबोलाइट्स, जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होके हमारी बॉडी के लिए एक्शन देती है, जिसे फ्लोसोसाइटोसिन्स बोलते हैं। ऐसी है एजोल ग्रुप की हमारी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि इमीडाजोलम। जो इमीडाजोल्स जो हमारी कैटेगरी की ड्रग्स हैं वो मोस्टली और ब्रॉडली तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं एंटीफंगल एजेंट्स में, और इनका जो ट्रीटमेंट है बहुत लंबे समय चलता है। जैसे कोट्राइमोक्साजोल, इकोनाजोल, मिनोक्सिजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ऐसे ही सिस्टमिक हैं। ये टॉपिकल थे, अब सिस्टमिक जो अंदर फंक्शन करते हैं, कीटोकोनाजोल जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की हमारी ड्रग्स है और सिस्टमिक तरीके से काम करती है। ऐसे ही इसका बी पार्ट है ट्रायाजोल्स, सिस्टमिक काम करेगी, फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, वरिकोनाजोल है, पोसोकोनाजोल है। ऐसे और भी ड्रग्स हमारी हैं इसमें, मैंने दो चार ड्रग्स इसमें डाली हैं। फोर है एलाइलेमाइंस, इसमें है टर्बिटाफाइन, जो हमारी टर्बिटाफाइंस जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो एल्कलामाइंस कैटेगरी में आती हैं, एंड अदर टॉपिकल एजेंट्स जो हम लोग अदर कैटेगरी में डालते हैं इसमें सारे होते हैं, जो कि अगर एंटीफंगल प्रॉब्लम है तो आप इनको दे सकते हैं। ऐसे टोलोनाफेट है, अंडरवलसमीन है, एसिड है, विंजनोइक एसिड्स हैं, ऐसे क्विनोडोलोन है, सिप्लोफ्लॉक्सिन है, ब्यूटोनाफीन है, सोडियम ट्राई सल्फेट है। अब इसमें हमने एक ड्रग का, हमने कीटोकोनाजोल का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में कैसे फंक्शन करती है। इट इज़ द फर्स्ट ओरल इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग्स। इस कीटोकोनाजोल को अब तो इसके पेस्ट भी आने लगे हैं ट्यूब, तो सबसे पहले हमने इसे ओरली लिया था। तो इसमें ओरली क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ये सबसे अच्छी दवा है कीटोकोनाजोल, जो कि एंटीफंगल ड्रग्स में यूज़ होती है और हम लोग करते हैं बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड डीप माइकोसिस। अब ये डर्मेटो जो हमारे फाइटोसिस हैं और डीप माइकोसिस है, ये हमारे एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है जो कि इसको ट्रीट करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका द इनविट द फंगल साइटोक्रोम्स P450,
जो हमारे फंगल होगा उसके जो साइटोक्रोम्स होंगे एंजाइम्स उसमें P450 एंजाइम इनोसिस्ट्रॉल 14 डाइथैलेज एंड दस इम्पियर एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस लीडिंग टू द कैसिडिस द मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज इन द फंगस। इसकी जो हमारे फंगल हैं फंगल की साइटोक्रोम्स पे इसका फंक्शन होता है और ये एंजाइमेटिक प्रोसेस करती है जो कि इनोसिट्रॉल 14 डाइमिथाइलेज एक एंजाइम्स है उस पे फंक्शन करता है, इसको इम्प्योर करता है, इसको रिपेयर करता है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसमें क्या क्या इसके फंक्शन है, इट इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ डर्माटोफाइसिस एंड डीप माइकोसिस, ये दोनों में ही इफेक्टिव है। दोनों प्रकार की एक बीमारियां हैं, एक डर्माटोफाइटोसिस है और एक है माइकोसिस, इन दोनों में ही कीटोकोनाजोल यूजफुल है। द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज फैसिलिटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिडिट बिकॉज इज द मोर सोल्यूबल ऑफ लोअर पीएच। जैसे कि हम इसमें लिखा है फैसिलिटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिडिक, जो हमारे बॉडी में हमारा स्टमक है उसमें ईजिली और बहुत जल्दी सोल्यूबल है, मतलब वाटर सोल्यूबल, इसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा लो है, कम है। पेनिट्रेशन इज CSF ऑफ द पुअर देयर फॉर नो इफेक्टिव ऑफ फंगल मीनिंग्स हाउवेयर थेरापोटिक्स कंसनट्रेशन इज अटेंडेंट इन द स्किन एंड बेजाइनल फूड। पेनिट्रेशन, ये जो कीटाकोनाजोल है ये बहुत जल्दी CSF सेरिब्रो स्पाइनल फूड में बहुत जल्दी पेनिट्रेट नहीं होती है, पुअर, बहुत स्लाइटली होती है पेनिट्रेशन, लेकिन फंगल में बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड अटेंडिंग इन द स्किन, जैसे ही स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है ये एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे बेजाइनल में आती है उसको एब्जॉर्ब हो जाती है। ADME इसकी क्या होगी, इट इज़ अ गिवन बाय ओरल, हम लोग इसे ओरल भी ले सकते हैं और ट्यूब के फॉर्म में भी, मतलब क्रीम के फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन क्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। अगर हम ओरल लेते हैं तो पहले हमारा लीवर में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। अब वो डिपेंड करता है किस रूट से जाए, मतलब वो बॉडी से किस रूट से बाहर निकले, एक्सक्रीट आउट हो, तो स्किन, यूरिन, रेक्टम, फीसिस, इसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी से निकल सकते हैं कीटोकोनाजोल। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, मोन मेन जो एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट है नोजिया है, वॉमिटिंग है, कैन बी रिड्यूस द गिवन ऑफ ड्रग विल बी मील्स, आपको हो सकता है भूख ना लगे, हो सकता है उल्टी भी ज़्यादा आए। अदर आर लूज ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख हो सकता है कम हो जाए, तो उसके कारण आपको हेडेक भी हो सकता है और स्किन पे रैशेस भी आ सकते हैं और आपके हेयर लॉस भी हो सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ कीटाकोनाजोल इज़ द हार्मोनल इफेक्ट, सबसे इसका जो ड्रॉबैक है कीटाकोनाजोल का वो हमारे हार्मोनल इफेक्ट पे करता है। अब वो कौन सा हार्मोन है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी पर। इट डिक्रीज द एंड्रोजन, जैसा कि इसमें दिया है एंड्रोजन्स प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस एंड डिस्प्लेस टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। अगर आप कीटाकोनाजोल लंबे समय तक खाते हैं तो आपके टेस्ट जो एंड्रोस्टेरोन्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस से निकलते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोटीन का बाइंडिंग कम हो सकता है, मतलब प्रोटीन जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। गैनोमेस्ट्रियस लॉस ऑफ हेयर एंड लिविडियोस एंड ओलिगोजोस्पर्मिया मे ऑकर्स व्हेन द ड्रग यूज फॉर द फ्यू वीक्स, इसीलिए कीटाकोनाजोल को कुछ हफ्तों के लिए ही, मोस्टली फ्यू वीक्स मतलब 1 या 2 वीक्स के लिए ही रेफर किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। मेंस्ट्रुअल इरिटेशन इज ऑकर्स इन सम वुमेन्स ड्यू टू द सुपर सप्रेशन ऑफ एस्ट्रियोल सिंथेसिस, ऐसे ही कॉन्ट्राइंडिकेशन इट इज अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड माइल्ड फीडिंग मदर, प्रेगनेंसी लेडीज़ में इस ड्रग को नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही फीडिंग मदर को भी नहीं दिया जाएगा।
इंटरेक्शन क्या होंगे इसके, एस टू ब्लॉकर्स हमारे स्टमिनिक एस टू ब्लॉकर्स हैं, इंटरेक्शन होगा। प्रोटीन पंप इन्हिबिटर है एंड एंटासिड्स डिक्रीज ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिडिटी। अगर आप इसको लेते हैं तो गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ सकती है, हो सकता है एस टू ब्लॉकर्स आपके हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर वो भी अफेक्ट होंगे, ऐसी एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन होगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसमें रिफाम्पिन है जो हमारी ड्रग्स है, फिनोबार्बिट्यून है, कार्बिनोपीन्स है एंड द फिनाटोइन है, इंड्यूस कीटोकोनाजोल मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस इट्स एफिकेसी। इन सारी ड्रग्स की जो एफिकेसी है वो इसकी कम कर देगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म कम होता है तो बाइंडिंग साइट्स पे हमारी प्रॉपर ड्रग पहुंच नहीं पाती है, तो एक्शन हमें मिल नहीं पाएगा। अब आते हैं हम लोग यूजेस के ऊपर, यूज़ क्या है इसके कीटोकोनाजोल के। सबसे पहला हमारा जो यूज़ है वो ओरली है, टॉपिकली है, तो ओरली एडमिनिस्टर्ड हम इसे ईजिली कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव भी है। किस में इफ़ेक्टिव है? डर्मेटोफाइसिस, बिकॉज इज अ कॉन्ट्रैक्टेड इन द जो हमारी स्किन है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है। यूज़ फॉर द लोकेश लोशन, इसका एक लोशन आता है लोशन फॉर्म में, और शैम्पू, इसके शैम्पू भी आता है। तो हाँ, अगर आपके फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी है स्किन में है या फिर आपके स्कल पे है तो शैम्पू फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल इज क्विकली इफेक्टिव इन सर्विक्सोल एरिया द स्कैल्प एंड डैंड्रफ, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। थ्रू इफेक्टिव इन मिनोक्सिडिल वेजाइनल ओरल थेरेपी फॉर द 5 to 7 days, 5 से 7 दिन के लिए हमें कीटोकोनाजोल को यूज़ करना, नहीं तो ये इरिटेशन कॉज करने लगता है बहुत जल्दी। तो ये इसके हमारे यूजेस हैं, मोस्टली हम लोग इसे टॉपिकली ही यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू।